पारडी पोलीस ठाणे हद्दीत उमया इंडस्ट्री कापसीपूर मार्गावर होत असलेल्या अवैध दगडीकोळच्या वाहतुकीवर पार्डी पोलिसांनी धाड टाकून कारवाई केली आहे या कारवाईत एक ट्रक आणि तेवीस टन दगडी कोळचा असा एकवीस लाख सव्वीस हजार रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला असून तीन आरोपींना अटक केली आहे इनके प्लॉट पर न्यू उमेया इंडस्ट्री कापसीपूर पोलीस ठाणे पारडी या पर कुछ लोक दगडी कोळचा कोयला लेकर जमा करते और वहां से चोरी करते आ, इस माहिती के ऊपर मैं पीएसआई राहुल रोटे हमारे साथ पुलिस हवलदार रामचंद्र कारेमोरे राजू सिंह राठौड़ पुलिस नायिक अमोल भक्ते पुलिस अमलदार विशाल नाग योगेश महाजन ऐसे हमारे शासकीय वाहन लेकर गोयल इनके प्लाट के न्यू उमिया इंडस्ट्री कापचीपुर पुलिस थाने पार्टी नागपुर यहाँ गए वहाँ पर हमें एक ट्रक खड़ा दिखा उसके अंदर ट्रक क्रमांक एम एच सत्ताविस बी एक्स पचासी पचासी सोलह उसकी कीमत अंदाजे बीस लाख रुपए और उसके अंदर चोरी किया हुआ कोयला पुल, जो अंदाजे तेईस टन था और उसकी कीमत एक लाख छब्बीस ऐसे Uh, वो वयला आरोपी uh, नामे चेतन मधुकर मेश्राम उमर सैतालीस रहना उनका प्लाट नंबर चौबीस नाका नंबर छे कळमना रोड uh, उस गाडी के ट्रक मे ट्रक ड्रायवर कलिराम मनीराम जांबेकर उम्र साल रहना धारणी जिल्हा अमरावती जो गाड़ी चालक थे और उनके साथीदार मोहम्मद गुलाब नबी वल्द याकूब मुल्ला उम्र बयालीस साल रहनार आजरी माजरी भिलगाव रोड बाबा दीवान लेआउट नम, प्लाट नंबर पंद्रह पुलिस थाने कलमना ये वहाँ पे दिखाई दिए हमने उनको वो कोयला कहाँ से लाए इस बारे में पूछा और उनके पास उस कोयले की कोई बिल्टी या कुछ वगैरह बारे में पूछा उन्होंने वो कोयला किधर से लाई इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया